समय आपका नहीं लूंगा, मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, 5-7-10 मिनट मैक्सिमम मैं आपके लूंगा, लेकिन एक अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी बात से मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आप सही डायरेक्शन में डिसीजन ले पाएं कि ये काम आपके लिए हो सकता है या नहीं। वैसे तो अभी तक आप अपना डिसीजन बना चुके होंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है, या जो भी आपने अभी तक सुना, लेकिन इतने शॉर्ट क्रिस्प प्रेजेंटेशन मनीषा जी ने दिया, एंड तक हर इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है, सुन रहा है, और कितनी सारी चीजें बताई हैं ये बोर्ड से नजर आ रहा है, तो एक बार जोरदार तालियां करें मनीषा जी। आप में से कौन कौन लोग हैं जो सेटल होना चाहते हैं हाथ, या तो पूरा नहीं खड़ा करना है या करना है, ठीक है? आप में से कौन कौन लोग हैं जो सेटल होना चाहते हैं? ओके, मैक्सिमम प्रॉब्लम यही है, कोई ग्रो नहीं होना चाहता, सब सेटल होना चाहते हैं, ठीक है? सब लोग क्या होना चाहते हैं? सेटल। ग्रो बहुत कम लोग होना चाहते हैं, और जहां पर आप ग्रोथ की बात करेंगे वहां कभी भी सेटलमेंट नहीं होती, ठीक है? वहां पर कोई सेटल नहीं हो सकता। वन प्लस, आपने नाम सुना है, फोन का ब्रांड है, ठीक है, उसका टैगलाइन भी है नेवर सेटल। अगर आप जॉब करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सेटल हो जाते हैं लाइफ में। भाई आप जैसे वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है कि 22 में नौकरी, 26 में छोकरी, फिर पूरी जिंदगी मरने का इंतजार है ना, तो वो क्या है कि आप सेटल लाइफ है, प्रेडिक्टेबल लाइफ है कि आगे क्या होगा आपको पता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, फिर आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, फिर जब आपके बच्चों की शादी हो जाएगी उनके साथ भी ऐसे होने वाला है। This is called a predictable life, है ना, कि हमें पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन growth, जहाँ पे भी बात growth की आ जाती है, तो uncomfortability की भी बात आ जाती है, right? और हम सब लोग अपनी लाइफ में comfort zone ढूंढते हैं, comfortable होना चाहते हैं, maximum लोग, कि हमारी एक ऐसी life हो जाए कि वो comfortable हो, ज़्यादा stress ना हो, ज़्यादा tension ना हो, ठीक है, पैसे भी हो। लेकिन अगर मैं अपनी नजर में बोलूं, आपको मीटिंग में बताया गया होगा कि अगर आपको एक ऐसी लाइफ मिले जो मस्त लाइफ हो, कौन सी बात की गई है इस पे? नहीं करी? अच्छा, M, M is for money field, मस्त की स्पेलिंग क्या है? M-A-S-T, right? M is for money field, A is for awards and recognitions, आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत, इतने कि आप खाएं खत्म ना हो, आप चल रहे तो गिरते रहें, ठीक है, और कुछ नहीं, क्या अभी टाइम ना हो आपके, ना टाइम हो लेकिन मन ना हो, बहुत पैसे हैं। A is for awards and recognitions, आपको लोग जानते हो, Instagram पे ब्लू टिक हो बिना खरीदने वाला, ठीक है, जो इंस्टाग्राम अपने आप से थे वो वाला। और एस, एस इज फॉर सिक्योरिटी, आप काम करें या ना करें लेकिन फिर भी काम हो रहा हो और आपको पैसे आए, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी। आप इस दुनिया में भी नहीं है तो भी पैसे आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। टी, टी इज फॉर टाइम फ्रीडम, ऐसी पूरी जिंदगी को जीने के लिए समय भी तो होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी लाइफ का फायदा क्या है, दिस इज कॉल्ड मस्त लाइफ। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग हैं जो अब जो मैंने समझाया जो मस्त लाइफ जीना चाहते हैं, वो ये जो मैंने आपको बताया M A S T, काम आप कोई भी करें लेकिन आपको ये मस्त लाइफ मिलनी चाहिए, यस या नो? यस सर। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो क्या आप इस मस्त लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? नो सर। तो हेल्थ प्रायोरिटी है, क्लियर? हेल्थ भी सही हो और मस्त लाइफ हो तो मजेदार लाइफ है। yes, हर इंसान इसमें से किसी एक या दो चीजों के लिए भाग रहा है, या तो वो टाइम कमाना चाहता है फैमिली के साथ, या वो पैसे कमाना चाहता है, या वो नाम बनाना चाहता है पैसे या टाइम ना हो, या वो सिक्योरिटी लेना चाहता है, या वो सिर्फ हेल्थ ठीक करना चाहता है चाहे मस्त लाइफ ना मिले, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो जॉब कर रहा है ऑब्वियसली मस्त लाइफ तो उसको नहीं मिल सकती है। अगर जॉब में क्या एक चैलेंज, जॉब बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ जॉब, इससे बुरा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे आपको मस्त लाइफ नहीं मिल सकती। आप बहुत पैसे भी कमा लेंगे जॉब में तो आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब ज्यादा सैलरी मिलेगी तो ज्यादा टाइम देने पे ही वो सैलरी मिलेगी, ज्यादा काम करने पे ही वो सैलरी मिलेगी, राइट? और अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो पैसे कम मिलेंगे, क्योंकि स्ट्रेस कम होगा, टाइम कम होगा तो पैसे नहीं होंगे, तो एक ना एक चीज तो रह ही जाएगी। मैं सही कि आप अग्री करते हैं इस बात से? यस या नो? यस सर। अग्री करना बहुत सेम पेज पे होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप सब लोगों ने देखो इतना कुछ बता दिया है तो मेरी नीड नहीं है वैसे, ये क्या है? बी। और ये क्या है? बी। हो सकता है आप में से किसी ने पहले सुनी हुई बात। बी, बी मतलब बर्थ, पैदा हुए सब लोग। डी मतलब डेथ। इसके बीच में क्या आता है? सी। ये डिसाइड करेगा कि आप बर्थ से लेके डेथ तक, डेथ बेड तक आपने अपनी लाइफ को सच में वो वाली लाइफ बनाया है कि नहीं। ये सी क्या है? बहुत सारी चीजें हो सकती है,
चेंज हो सकता है। वैसे अगर मैं अपनी नजर में बोलूं तो ये है चॉइसेस, ठीक है। सही चुनाव करना, ये सिर्फ वो वाला चुनाव नहीं है कि आप 18 के हो गए और आप, ठीक है, आप इलेक्शन का चुनाव कर रहे हैं, वो वाला नहीं। अपनी लाइफ में आपको डेली हर घंटे हर मिनट आपको कुछ चॉइस करने का मौका मिलेगा। जैसे यहां पे भी कि अभी मैं सुनूं या ना सुनूं, ये क्या है, चॉइस ही तो है। मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं, मैं फोन डिस्ट्रैक्ट हूं या ना हूं, ये सब क्या है, चॉइस। राइट चॉइसेस विल लीड यू टू एक ऐसी लाइफ जो बी और डी के बीच में, जो आपकी आपके कंट्रोल में क्या है, इन तीन अल्फाबेट्स में से आपके कंट्रोल में क्या है, बी सी या डी, सी। हमारे कंट्रोल में क्या है, सी। बी और डी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप सबने सुना भी होगा कि मैं पैदा कहां हुआ इस बात से मैटर नहीं करता, लेकिन मैं मरूंगा नहीं कहीं, ऐसा सुना होगा ना आपने, यस सर, यस सर, मूवीज में। तो वो किस वजह से है, क्योंकि बीच में क्या आता है, सी, जो हमारे हाथ में है, चॉइस हमारे हाथ में है। तो आज आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लेटफॉर्म को सुनने के बाद यहां से क्या चॉइस लेके जाते हैं, ये भी किसके हाथ में है, हमारे हाथ में। हम सब लोगों को, आप 18 साल से कोई नीचे है यहाँ पे, 18, 19, 20 इतनी एज के, एज ग्रुप के लोग यहाँ पर होंगे, राइट। आप यहाँ पर आए हैं, सुन रहे हैं, आपने आज तक अपनी लाइफ में बहुत सारी बार भगवान के सामने कहीं ना कहीं, या अपने आप से बैठकर बात की होगी, सोचा होगा, प्रे किया होगा कि मुझे कुछ मिल जाए, और अगर मिल गया तो मैं उखाड़ दूंगा, मैं उड़ा दूंगा जिंदगी में, कुछ बड़ा कर दूंगा, इंपैक्ट डाल दूंगा, इंस्पायर कर दूंगा लोगों को। आज जब पहली बार किसी को मिलता है तो फिर वो क्या ढूंढता है, इसमें भी बहाना। एक बीमारी हम सब लोगों में, दैट इज एक्सक्यूजाइटिस, ये हम नहीं बनाया है, एक्सक्यूज देने वाली बीमारी, ठीक है। हम देखो, एक इस लाइन को आप अपने साथ लेके जा सकते हैं आज यहां से, ईदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक मनी। इंग्लिश में ये इतना वजन नहीं डालती, लेकिन हिंदी में अगर बोलो, या तो आप बहाने बना सकते हैं या आप पैसे बना सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बनते। यस सर, आप क्या बनाना चाहते हैं, आज आपके पास चॉइस है, क्या है जो चॉइस बनाना, क्या है, पैसा, पैसा बनाना है या बहाने। और बहुत बार हम अपने आप से भी झूठ बोलकर कई बहाने बना चुके हैं, बहुत बार। आप मुझे अगर आज सिर्फ ट्रांसपेरेंटली बात कर लें, आपके पास अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मस्त लाइफ मिल सकती है, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां से ये पॉसिबल है, या बहुत सारे लोगों ने ये लाइफ को अचीव किया है और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मैं आपके साथ कनेक्ट करने को तैयार हूं, आप बताइए। मिट्टी के बाहर मिल सकता है एक भी इंसान, हम गिविंग हैंड पे, हम कुछ दे रहे हैं किसी को, हम मांग नहीं रहे, कितनी बड़ी बात है। कुछ किसी की लाइफ में इंपैक्ट डाल पा रहे हैं, उसको समझा पा रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव होने की ट्रेनिंग ली है, नेगेटिव सोचने की, होने की ट्रेनिंग ली है, कभी किसी ने सिखाया आज तक, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं? क्या नेगेटिव होने के लिए किसी को आपको बोलना पड़ता है? क्या मैं कभी आपको ये बोलूंगा या किसी ने आपको बोला कि नेगेटिव सोचो? नहीं, किसके लिए बोला जाता है? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव सोचो? आप ये सोचो, अगर हो गया तो, नेगेटिव तो हमें पहले से ही है, हर चीज में हम क्या देखते हैं, नेगेटिविटी मैक्सिमम टाइम्स हम क्या देखते हैं, क्या सही नहीं चल रहा है। लेकिन कोई इंसान, कोई टेक्स्ट बुक, कोई टीचर, कोई वीडियो या कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में आएगा जो आपको कोशिश करेगा पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करने के लिए, कि ऐसा भी तो हो सकता है। आज पिछले एक घंटे में आपको सिर्फ यही सोचने पर मजबूर किया गया है कि हाँ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है, आपने सोचा नहीं है, हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने ना सोचा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। आज तक मेरे से कभी किसी ने ये सवाल तक नहीं पूछा था कि आपके ड्रीम्स क्या है, पूरा करने की तो बात बहुत दूर की है। एंड आई हैव अ वेरी बिग ड्रीम ऑफ माइंड टू अचीव, कि मेरे को पूरा वर्ल्ड घूमना है। आप में से कुछ लोग, उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि आप में से कौन कौन वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछ ले, मैं तो दोनों हाथ पैर भी उठा दूं, अगर वो नहीं आता मुझे जिमनास्टिक्स वगैरह, लेकिन मैं बहुत, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है मुझे पूरी दुनिया घूमना। सब किसी का अलग हो सकता है, किसी के लिए कार, किसी के लिए घर, किसी को पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ठीक है, किसी के लिए एक सेटल लाइफ जीना, ठीक है, हर किसी का एक अलग लाइफ का मायना है, yes. है ना। मेरे लिए है, अगर मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा, आई कॉल माइसेल्फ सक्सेसफुल, ठीक है, एंड आई एम ऑन इट, नॉट मेनी पीपल आर, है ना। व्हेन यू आर इन द रेस यू कैन विन द रेस, अगर आप रेस में है तो आप रेस जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस में नहीं है तो क्या आप रेस जीत सकते हैं? नो सर। इस बात का गर्व मुझे पिछले कुछ सालों से है कि मैं अमीर बनने की दौड़ में तो हूँ,
राइट, बहुत बोलिए, बहुत बोलिए। आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप किस दौड़ में हैं, ठीक है? आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत लोग इस दौड़ में है ही नहीं कि कुछ बड़ा लाइफ में करना है। बहुत लोगों, आप में से कितने लोगों ने पासपोर्ट बनवा दिया है? आप में से कितने 19 या उससे ज्यादा एज के हैं? 19 या उससे ज्यादा, ओके। इतने में मैं एक फॉरेन टूर करके आ गया और हमने पासपोर्ट में भी बनाया, थाईलैंड गया था, कुछ गलत नहीं किया वहां, ठीक है? ये भी बताना थोड़ा सा जरूरी है। और आई हैव ट्रैवल्ड 7 कंट्रीज टिल नाउ। मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना होता अगर मैं वेस्टइंडीज में नहीं होता। 7 कंट्रीज ट्रैवल करना, अलग अलग देश जाना, जिसमें से 4 देश मैंने सोलो घूमे हैं। आप में से कितने लोगों ने पबजी खेली, फ्री फायर या पबजी ऐसा कोई गेम है, या पता हो? अच्छा, गर्ल्स भी खेली हुई है फ्री फायर। तो टाइम नहीं मिलता, सर कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैंने भी नहीं खेली कभी, पर पता है मुझे क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत खेली है जिन्होंने वेस्टइंडीज को ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरी लेनी देनी कर दी, ठीक है? ऐसी ऐसी गालियां सुनाई जो आपने सुनी भी नहीं होगी, पता नहीं कहां से बना के लाए थे, इतना नेगेटिव कर दिया था मुझे कि तू कहां फंस गया भाई। लेकिन आई यू नो अचीव्ड, मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था जिसको मैंने पूरा किया। आई वेंट टू दुबई और मैंने 40,000 रुपए खर्च करके प्राइवेट जेट से स्काई डाइविंग की, जो मेरे दोस्त फ्री फायर पबजी में करते हैं, ठीक है? और वो वही लोग थे जिन्होंने मजाक उड़ाया। थाईलैंड में मैं स्कूबा डाइविंग कर चुका हूँ। एक मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, या ये जवानी है दीवानी है। मैं ऐसी मूवी से बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ, और मेरे को ऐसी ही लाइफ बनानी है। वो बनी का जो है ना कि रुकना नहीं है, दौड़ना भी है, उड़ना भी है, गिरना भी है, लेकिन रुकना नहीं है। तो रुकना नहीं है बहुत सारे, और अभी फरवरी 2025 में वी आर गोइंग टू सिंगापुर अगेन। मैं एक बार जा चुका हूँ बट अब दोबारा से मैं जा रहा हूँ, वो भी 4 दिन क्रूज में। मतलब वहां पे जाके हम क्रूज नहीं लेंगे, यहीं से दिल धड़कने दो, अगर आपने देखी है तो यहीं से हम क्रूज में एक दूसरे देश जा रहे हैं और शिप में ही हमारा इमिग्रेशन होगा, राइट? बहुत बड़ा ड्रीम, एक और वेस्टइंडीज हमारा पूरा कराने जा रही है। तो आप सोचो, सिर्फ घूमने के लिए वेस्टइंडीज को नहीं करना है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर वेस्टइंडीज विदेश लोगों को घुमा सकती है तो गाड़ी लेना या घर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो वैसे भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं, है ना? इंडिया में अलग अलग काम को करके जॉब से भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जॉब से लोग फॉरेन नहीं घूम पाते। अगर पैसे भी होते हैं तो टाइम नहीं होता, छुट्टी कौन लेगा आपको, या फिर आपकी वैसी जॉब हो, ठीक है, IFS वाली, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाली, वो मिलने नहीं, ठीक है? या मैक्सिमम लोग लेना नहीं चाहते, UPSC में भी वो लोग फिर चाहते हैं IAS या IPS, है ना? मैक्सिमम लोग या IAS भी चाहते हैं, लेकिन लास्ट प्रेफरेंस होती है IFS तो, फॉरेन सर्विसेज वाली। तो अगर आप सच में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ सकता है, एंड इट इज ऑल अबाउट अ ट्राई। एक ट्राई ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और कुछ नहीं। लास्ट में एक मिनट बस मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा और फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। तो एक जंगल था, जंगल में एक पेड़ था, पेड़ पे 4 बंदर बैठे हुए थे और एक आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर पेड़ से नीचे कूद जाएगा वो जंगल का राजा बन सकता है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे वो बंदर, कोशिश करेंगे कूदने की, पर ऐसे होते नहीं ना बंदर हमारे जैसे, ठीक है? और जैसे ही वो एक बंदर कूदने की कोशिश करता है, 3 उसको समझाते हैं कि भाई क्या बोल रहे हैं, तो ये कहां से आवाज आई है, पता नहीं सच भी है कि नहीं है। डाउट हम पहले कर लेते हैं नेगेटिव बात पे, आप समझ रहे हो, नेगेटिव हम पहले सोचते हैं। तो वो कूदने नहीं देते 3 उसको और कहते हैं कि भाई अगर ये आकाशवाणी झूठी हुई तो ठीक है कूदना ही नहीं, लेकिन अगर ये आकाशवाणी सच्ची भी हुई तो वो कह रहे हैं कि तू राजा बन सकता है, तो पहले तू मेरे को ये बता दे कि अभी राजा कौन है, शेर, अगर वो मर मुरा भी गया तो भी कई बचे हैं, तेरे को कौन राजा बना रहा है, जिराफ है, हाथी है, कई बड़े जानवर बचे हुए हैं, तेरे को कौन बना रहा है राजा, ठीक है? लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती करके वो कूद जाता है और जैसे ही उसका जमीन पे पैर टच होता है वो जंगल का राजा नहीं बनता। तो बाकी 3 तो उसकी ले लेते हैं कि हमने क्या कही थी, ठीक है, समझाई थी, बहुत कहा था, और वो लड़ाई भी हो जाती है, फिर वो उनकी दोस्ती टूट जाती है। 6 महीने बाद जाके एक खबर आती है कि कोई जंगल में नया राजा बना है। वो 3 तो सोच भी नहीं सकते कि वो उनका वो दोस्त बंदर हो सकता है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि उसी का राज्य अभिषेक हो रहा है, ठीक है? और इतनी भीड़ है, वो जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और वो पूछते हैं कि तू यहां कैसे, तो बोलते तेरे को याद है वो दिन
कि एक आकाशवाणी हुई थी, अगर वो आकाशवाणी झूठी होती तो मैं क्या रहता हूँ? बंदर, जो कि तुम वैसे भी थे, लेकिन अगर सच्ची होती तो आज मैं यहाँ पे, राइट? इट इज ऑल अबाउट टेकिंग अ ट्राई. उस बंदर ने क्या किया? ट्राई लिया, है ना? खोने को क्या था? क्या ही रहता? अगर नहीं भी आकाशवाणी सच्ची होती तो क्या रहता वो? हम भी क्या रहेंगे? अगर वेस्टीज में कुछ नहीं हो पाया तो हम क्या रहेंगे? अब बदल जाओगे? नहीं, बंदर नहीं रहेंगे, जो हम हैं वही रहेंगे. क्या इससे नीचे आ जाएंगे? क्या गरीब हो जाएंगे? क्या हो जाएगा, मतलब लॉस क्या है? कुछ नहीं. लेकिन अगर हो गया तो जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, जो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ये भी तो देख सकते हैं. अब पढ़ाई करते हैं तो ये सोचते हैं कि फेल हो गया तो क्या सोचते हैं? सिर्फ बात सोचते हैं, अच्छे ग्रेज लाना, है ना? मतलब यही सोचते हैं हम. क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं. पर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई है तो व्हाई नॉट पॉजिटिव? क्यों ये क्यों सोचना है कि नहीं हुआ तो? ये भी तो सोचा जा सकता है अगर हो गया तो. और अगर हो गया तो आपके सात पुश्तों में भी किसी ने इतने पैसे नहीं कमाए होंगे जो आप इस बिजनेस से. फॉरेन में हजारों करोड़ों रुपए के नेटवर्क कमाने वाले लोग भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में प्राइवेट जेट्स तक ले चुके हैं, राइट? इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं लिया, लेकिन फॉरेन में लोगों ने लिया है. और जो 20 साल पहले डेवलप्ड देशों में लोग कर चुके हैं, वो 15-20 साल बाद इंडिया में भी हो जाता है, राइट? पहले आज से 10 साल पहले हाईएस्ट पेचेक डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 10 लाख रुपए महीना था, और बाहर 1-2 करोड़, 3 करोड़ रुपए महीने के लोग कमा रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में. और आज इंडिया में भी 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले तो वेस्टर्न में ही आ गए हैं, राइट? तो 10 साल बाद क्या नजारे होंगे? या तो आप सिर्फ फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, देखेंगे और बाद में रिग्रेट करेंगे कि काश वो आकाशवाणी हमने भी सुन ली होती, ठीक है? उन तीन मंत्रों की, या फिर इट इज ऑल अबाउट टेकिंग. गिव इट अ ट्राई. एक एक पल में कभी भी जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक पल में लिया हुआ फैसला जिंदगी बदल सकता है, और शायद आपकी लाइफ का यही वो पल हो सकता है.